नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैंक कैसे पैसे कमाता है, मतलब कि बैंक के क्या और कौन से जराए हैं जिनसे वो पैसे कमा रहा है। अब बाप ये सोच रहे होंगे कि बैंक कैसे पैसे कमा सकता है, हालांकि वो तो हमें खुद लोन फराहम करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि बैंक खुद भी बहुत से तरीकों से पैसे कमा रहा है। तो जानते हैं वो तरीके कौन से हैं। तो नाजरीन, जिस पर हम पहले बात करेंगे वो इंटरेस्ट रेट है। इसमें बैंक ऐसा करता है कि एक जो कस्टमर है वो अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवाता है और 5 गुना डिपॉजिट करवाता है, और इसके बरक्स जो कस्टमर बैंक से लोन ले रहा होता है, दरअसल लोन पहले वाले कस्टमर का डिपॉजिट कैश होता है, लेकिन अब लोन लेने वाला कस्टमर 5 गुना ज्यादा रकम देकर मुकर्रर तारीख पर अपना लोन अदा करता है, और जो इजाफी चार्जेस होते हैं दरअसल वही बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन इस सूरत में अगर लोन लेने वाला कस्टमर दी हुई तारीख पर लोन अदा ना करे और कैश डिपॉजिट करवाने वाला कस्टमर भी अपनी रकम विड्रॉ करवाने आ जाए तो बैंक को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक ही वक्त में दो लोग जो हैं वो कैश डिपॉजिट और लोन ले रहे हों। एक वक्त में बैंक से बहुत सारे लोग लोन ले भी रहे होते हैं और कैश भी डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान के बहुत सारे बैंक ऐसे थे जिनमें लोन बहुत बढ़ गया था और डिपॉजिट कैश कम हो गया था, और सिचुएशन बहुत ही कम्प्लेक्स हो गई थी। लेकिन फिर भी ऐसा ना हो तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कैश रिजर्व रेशो जारी कर दी है, जिसका मतलब है जब एक कस्टमर बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करवाने आएगा तो उसकी रकम का मखसूस हिस्सा या नई 4 गुना रिजर्व कर लिया जाएगा। ये सारे मामलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बैंकों का इख्तियार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसके अलावा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो दूसरी रेशो जारी करता है उसका नाम सैचुरेटेड लिक्विड रेशो है। इसमें भी डिपॉजिटर की अमाउंट का कुछ हिस्सा बैंक की चीजों में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि सिक्योरिटी चार्जेस और गोल्ड वगैरह। ये रेशोज कन्वेंशनल बैंक के लिए 19% और इस्लामिक बैंक के लिए 14% होती हैं। इसके बाद जो 70-80% रकम मौजूद होती है उसको बैंक यूटिलाइज करता है और दूसरों को लोन फराहम करता है और अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। दूसरा तरीका बैंक के पैसे कमाने का यह है कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है बैंक बाकी कंपनीज, फार्म्स या बिजनेस के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिसमें वो गोल्ड, स्टॉक और बॉन्ड वगैरह होते हैं। ये बैंक के अर्निंग सर्विसेज में शामिल है, और इस तरह बैंक प्रॉफिट ले रहा होता है, जिसमें 35-40% हिस्सा बंजर और एम्प्लॉयज की सैलरी में चला जाता है और बाकी जो है वो बैंक प्रॉफिट में शामिल होता है। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारी सर्विसेज देकर चार्जेस ले रहा होता है, जैसे कि ATM कार्ड वगैरह। एक रिसर्च के मुताबिक 2021 में जिस बैंक ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया वो HBL था, और इसने 35.5 बिलियन का प्रॉफिट हासिल किया। बहरहाल, बैंक में पैसे रखने से हमारी रकम भी सेव रहती है और बैंक दूसरों को भी लोन फराहम करता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।